हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा गाना सुनाने जा रहा हूं और सिखाने भी जा रहा हूं। उसका मैं लेसन भी देने जाऊंगा माउथ ऑर्गन पे। गाने के बोल हैं, धड़कन जरा रुक गई है। मैं आपको दो लाइन सुना देता हूं। धड़कन जरा रुक गई है, कहीं जिंदगी बह रही है, पलकों में यादों की डोली भीतर खुशी हंस रही है। ये खुशी तुम हो, तुम ही तुम मेरी जानम, कर ले एतबार, धड़कन जरा रुक गई है। ठीक है, तो इस गाने को सीखने के लिए या बजाने के लिए फ्रेंड्स, कोई भी आपके पास अगर 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है, ये ट्रेमोल अगर है तो चलेगा, या अगर आपके पास ये 24 होल्स का ये टावर कंपनी का अगर है तो ये भी चलेगा। इसमें ये स्केल चेंजर या स्लाइडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी 24 होल्स के माउथ ऑर्गन पे आप सीख सकते हैं। मैं आपको ट्रेमोलो पे सिखा रहा हूँ 24 होल्स के। पहले मैं आपको गाना सुना देता हूँ, फिर आपको मैं डिटेल्स में लेसन दूंगा। मैं सरगम के हिसाब से भी आपको नोटेशन दूंगा और होल नंबर के हिसाब से भी नोटेशन दूंगा, ताकि आपको जो ईजी लगे आप उसमें बजा सकें। ठीक है, तो पहले गाना सुन लेते हैं। ठीक है, तो लेसन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो लाइन है, यह है पहला लाइन। ठीक है, धड़कन जरा रुक गई है। तो आप देख सकते हैं, ये पहले बीच में गाने के बोल लिखे हुए हैं, ऊपर होल नंबर लिखा हुआ है 11, 12, 13, ये सब होल नंबर्स हैं। नीचे सरगम में नोट दिया हुआ है, ये देखिए ग म प, ये सरगम में नोट है। और ये पी और के जो लिखा है, पी मतलब फूकना, के मतलब खींचना। जहाँ पे पी लिखा है वहाँ आपको फूकना है, और जहाँ के लिखा है वहाँ आपको खींचना है। तो पहला जो लाइन है, धड़कन जरा रुक गई है, आपको धड़कन के लिए 11, 12 और 13 नंबर होल में आपको बजाना है। 11 में आपको देखिए फूकना है, 12 में खींचना है और 13 में फूकना है। ठीक है, और सरगम हिसाब से आपको क्या बजाना है, ग म प बजाना है। मैं आपको सुनाता हूँ। ये पहला लाइन, ठीक है, मैं क्या बजा रहा हूं, 11, 12, 13 धड़कन के लिए, गई है के लिए मैं क्या बजा रहा हूं, 12 बजा रहा हूं। ठीक है, 12 में मैं खींच रहा हूं, यानी कि सरगम के हिसाब से मैं म बजा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार फिर सुनाता हूं। तो 11 नंबर होल से फूक के गाना शुरू हो रहा है। यहां से आप ग बजाते हैं लोअर मिडिल ऑक्टेव का, वहां से गाना शुरू हो रहा है। ठीक है, ये पहला लाइन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा लाइन, कहीं जिंदगी बह रही है, कहीं के लिए मैं 10 और 11 बजा रहा हूं, 10 में खींच रहा हूं और 11 में फूक रहा हूं, यानी कि रे ग बजा रहा हूं। रे ग म ध प प ग ग, ठीक है, यानी कि 10, 11, फिर 12, 14, 13, फिर 13 बजा रहा हूँ होल, फिर 11 बजा रहा हूँ, फिर 11 बजा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन, ये पलकों में यादों की डोली, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, पहले दो लाइन सुना के फिर थर्ड लाइन में आता हूँ। अब ये थर्ड लाइन, ठीक है, पलकों में यादों की डोली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये चौथा लाइन, भीतर खुशी हंस रही है,
भीतर के लिए देखिए 14-13 आपको बजाना है, खुशी के लिए 13-13 दो बार आपको बजाना है, फूकना है। भीतर खुशी हंस के लिए आपको 14-12-14 बजाना है, ठीक है, तीनों में खींचना है, 14-12-14 तीनों में खींचना है। के मैंने लिख दिया है, यानी कि आपको ध म ध बजाना है। और रही है मैं आपको क्या बजाना है, देखिए आपको 15-15 बजाना है, 15 नंबर होल में दोनों में फूकना है, ठीक है, यानी कि सा सा आपको बजाना है, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा लाइन। पांचवा लाइन, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये खुशी तुम हो तुम ही तुम मेरी जानम, क्या बजाना है आपको देखिए, रे ग म म ग म प प म प धनी, और होल नंबर के हिसाब से आपको 10 फिर 11-15 बजाना है, फिर 11-12 बजाना है, फिर 12 बजाना है, फिर 11, फिर 12-13, 13-12, 13-14-16। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको आप बजाइएगा, ठीक है। ये हो गया पांचवा लाइन और लास्ट लाइन, कर ले एतबार, ठीक है, कर ले एतबार। देखिए कर ले के लिए आपको 16-17-18, 16 में आपको खींचना है, 17 में फूकना है, 18 में खींचना है, यानी कि नी स रे आपको बजाना है, नी स रे। ये प्लस रे मैंने लिखा इसलिए क्योंकि आपको ये हायर ऑक्टेव का रे बजाना है, ठीक है, हायर ऑक्टेव में आपको रे बजाना है, ठीक है, जो कि 18 नंबर होल से बजता है। एतबार में आपको क्या बजाना है देखिए, 15-16-15, ठीक है, यानी कि सा नी सा बजाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यही गाना मैं आपको टावर में बजा देता हूँ, आपको एक बार जिसके पास जिनके पास टावर है 24 होल्स का, आप इसे में बजा सकते हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको टावर में भी बजा दिया, आपको मैंने ये ट्रेमोलो में बजा दिया, तो आप इसे आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप इसे आराम से प्रैक्टिस कीजिए, एक एक लाइन के बाद दूसरे लाइन पे जाइएगा, जब एक लाइन का मास्टरी हो जाए दूसरे लाइन जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे जल्द सीख जाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो मैं लेसन बनाता हूँ आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ में प्ले बने, खुश रहें। टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।